अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। आज मैं आपके साथ एक मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपके साथ आज कलौंजी मसाला यानी भरवा मसाला बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बनाकर स्टोर कर रख सकते हैं। और किसी भी चीज की कलौंजी बनानी हो, बैगन हो, कुंदरू हो, भिंडी हो, जिस चीज की भी कलौंजी बनानी हो, आप फटाफट उस मसाले को निकालिए और मिक्स कीजिए, बना लीजिए। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसे बनाकर रखने में आपके किचन के काम में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए किचन चलते हैं और बताते हैं कैसे बनती है ये भरवा मसाला, कलौंजी मसाला। उससे पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, यदि अभी अभी आप मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और प्लीज मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए किचन चलते हैं, बताते हैं कैसे बनती है भरवा कलौंजी मसाला। तो देखिए, ये हमारा कलौंजी मसाला बनकर रेडी हो गया है और इस मसाले को आप स्टोर कर भी रख सकते हैं बहुत दिनों तक। जब मन आए तब आप निकालिए और इसे किसी भी चीज की कलौंजी बना सकते हैं। तो आप भी इसे ट्राई करना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी बनती है, काफी यूजफुल ये रेसिपी है। तो ट्राई करना चाहते हैं तो चलिए मेरी वीडियो को पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आप फॉलो करके पूरी अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से ये कलौंजी मसाले बनते हैं। और कलौंजी मसाला बनाने के लिए आप इसे बनाकर बिल्कुल रेडी करके रख सकते हैं और आपको जब भी मन हो कलौंजी बनाने का, बैगन हो, भिंडी हो, कुंदरू हो, जिस भी चीज का कलौंजी बनाने का मन हो, फटाफट ये मसाले निकालिए और इसमें लहसुन, मिर्च, हल्दी, आमचूर, नमक, सारे चीज मिलाकर आप फटाफट कलौंजी बना सकते हैं। इस मसाले को बनाकर रखने में कलौंजी बहुत ही जल्दी बनती है। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीजें इसमें लगती है। 1 टेबल स्पून हमने सौंफ लिया है, 1 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून कलौंजी काला जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून हमने सरसों लिया है और 1 टीस्पून हमने जीरा लिया है। इन सारी चीजों को हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसका मिक्सर में पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, एक पैन को हमने गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये धनिया, मेथी, सौंफ, जीरा, अजवाइन, सरसों और ये कलौंजी। अब हम इन सारी चीजों को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जैसे ही मसाले में से खुशबू आने लगे हल्की सी, बस उतना ही हमें इसे रोस्ट करना है, इसे ज्यादा हमें जलाना नहीं है। तो देखिए, इसमें से आवाज आने लगी, आप सुन सकते हैं। गैस को कर देते हैं ऑफ और इसे मैं डाल लेती हूँ मिक्सर जार में। तो देखिए, इसे हमने जार में डाल दिया है, थोड़ा ये ठंडा हो जाए फिर हम इसे ड्राई रोस्ट इसे चर्न कर लेंगे मिक्सर में। तो देखिए, थोड़ी सी ठंडे होने के बाद हमने इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और इस तरह का हमने मसाला रेडी कर लिया है। बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं है, इस तरह का हमने ये मसाला रेडी कर लिया है। इस मसाले को थोड़ी ठंडे होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और जब भी आपकी इच्छा हो तब आप इसे बनाकर, इससे कलौंजी बनाकर आराम से फटाफट कलौंजी बन जाएगी। तो चलिए, इसे थोड़ा ठंडा करके एक कंटेनर में मैं निकाल लेती हूँ। पहले मैं इसे किसी बॉल में निकाल कर रखती हूँ, थोड़ी ठंडी हो जाने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर मैं रख लूंगी। यदि आपको स्टोर करना है तो और भी ज्यादा क्वांटिटी में आप इसे बनाकर रख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी कलौंजी मसाला बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से आप भी इसे बनाइए और एयर टाइट कंटेनर में थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखिए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। इसे बनाइए और मुझे
कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।